डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। बेटा, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। जितने वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं उनके ऊपर आप रेगुलर वर्क करते जा रहे होंगे। और आज बेटा मैं आपको जो कंसेप्ट करवाने जा रहा हूँ, हमारा जो लेसन है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, और उसके अंदर जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस वन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कंसेप्ट, हमने एक फिनोमेना पढ़ी है कि जो आइंस्टीन थे साइंटिस्ट, इन्होंने बताया कि जो लाइट है उस लाइट के अंदर ड्यूअल कैरेक्टर होता है। मतलब जो लाइट है उसके अंदर पार्टिकल और वेव दोनों का नेचर होता है, ये दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। 1924 में डी ब्रोगली आए, और डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल्स, जब वो या उनके अंदर भी दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, इधर वी कैन सी दैट पार्टिकल एज वेल एज वेव, कि जो मटेरियल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके अंदर वेव का कैरेक्टर भी है और पार्टिकल के जैसे भी कैरेक्टर है। एंड द अनदर थिंग कि जब ये मटेरियल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जब मोशन में होते हैं तो इनके अंदर वेव कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब जो मटेरियल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सो आई एम सेइंग अबाउट कि मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, या एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए, दीज ऑल आर द माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल्स। और जितने भी ये ऑब्जेक्ट हैं जब ये मोशन में होते हैं तो इनके अंदर जो कैरेक्टर्स बनते हैं वो वेव के जैसे कैरेक्टर्स बनते हैं। सो लेट अस मूव कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई डी ब्रोगली ने कंसेप्ट क्या दिया। डी ब्रोगली ने ऐसे स्टार्ट करेंगे कि इन 1924 डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट, क्या सजेस्ट किया, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पजेस वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोला गया, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पजेस वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जितने भी हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, आई एम सेइंग अबाउट कि अगर मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एटम के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मटेरियल पार्टिकल्स हो गए, और जितने भी ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं ये अपने आप में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, और जितने भी ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जब ये मोशन में रहते हैं, तो जब ये मोशन में रहेंगे, जब इनके अंदर मूवमेंट होगा, तो इनके अंदर जो नेचर बनेगा वो नेचर किसके जैसा बनेगा, वेव के जैसा नेचर बनेगा। बहुत क्लियर है बेटा। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, एंड दिस वन इज आइंस्टीन का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। आइंस्टीन की एनर्जी वाले जो इक्वेशन थी, हमने क्या पढ़ा कि वी नो, यहां लिख दूंगा मैं, वी नो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और आइंस्टीन की ये जो इक्वेशन थी, ये वेव की इक्वेशन थी, वेव के लिए इक्वेशन दी थी इन्होंने, किसने दी थी, आइंस्टीन ने, लाइक दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई थी, अगर आपको याद होगा, इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, दैट्स वाई वी हैव इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल नेचर को क्या करता है, डिफाइन करता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज, ये कौन सी इक्वेशन थी, प्लैंक्स इक्वेशन के नाम से जानी जाती है, प्लैंक्स इक्वेशन थी,
जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, यहाँ ई क्वाटो एम सी स्क्वायर हो गया, ई क्वाटो एस सी बाई लेमडा हो गया, दैट्स वाई सो फ्रॉम अबव इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव एम सी स्क्वायर इक्वल टू बनेगा एच सी बाई लेमडा, ठीक है बेटा। या अगर आप यहां से लेमडा निकालना चाहो तो लेमडा बराबर बनेगा एच सी बाई एम सी स्क्वायर, जो कि आगे जाकर के और सॉल्व करेंगे, ये आएगा बेटा हमारे पास लेमडा सी से सी कैंसिल हो जाएगा, एच बाई बनेगा एम सी, क्या बनेगा एच बाई एम सी, ठीक है। यहाँ कंसेप्ट क्या चीज़ है कि h बराबर आ गया बेटा दिस वन प्लैंक्स कांस्टेंट, m आएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या खिलाफ तो मैं ऑब्जेक्ट ही लिख देता हूँ, और c आ गया यहाँ पे दिस वन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया। यहाँ एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है दिस वन इज कॉल्ड मोमेंटम, और जो हमारे पास मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो है उसे हम पी से डिनोट करते हैं, और पी इक्वल टू होता है एम सी, सी वेलोसिटी बन गया, एम मास बन गया, ये हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। दैट्स वाई इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ पे लिख दूँ तो एम सी की जगह पे पी लिख देंगे, दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे कि लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, और जो पी है दिस वन इज मोमेंटम, पी बराबर मोमेंटम, पी हमारे पास मोमेंटम है, इसलिए लेमडा इक्वल टू क्या बन गया एच बाई पी। चाहो तो आप इसे इक्वेशन नंबर फोर लिख दो, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो लैम्डा है वो इन्वर्सली किसके बनता है, मोमेंटम पी के बनता है, मतलब जो वेव लेंथ है, क्या लिखा जा रहा है, जो वेव लेंथ है वो इन्वर्सली किसके है, मोमेंटम की है, ठीक है बेटा। ध्यान रखेंगे दिस वन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ क्या बताया जा रहा है। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ से आई कि लेमडा इक्वल टू बनता है एच अपॉन एम सी बन गया, और सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कि अगर मान लो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हम डिफाइन करेंगे नाउ According to de Broglie, if m is the mass of microscopic object and v is the velocity of the microscopic object so that lambda equal to h upon mv, ध्यान देंगे lambda equal to क्या बनेगा h upon mv, और यहां जो वेव बनेगी उस वेव को नाम देते हैं मैटर वेव बोला जाता है, और जो वेवलेंथ बनती है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव जो होती बेटा उसे नाम दिया जाता है डी ब्रोगली
डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से वो जाने जाती है। ध्यान से सुनेंगे आप क्या बोला जा रहा है कि लैम्डा क्या बना, लैम्डा को हमने क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोल दिया, और जो वेवलेंथ यहां बन रही है उसका नाम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और एम यहां पे क्या बनेगा, मास बनेगा। मास किसका बनेगा, वो जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसका मास बनेगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो नई इक्वेशन बनी, दिस वन ये फिफ्थ नंबर की इक्वेशन में यहां पे लिखता हूं, एंड दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लैम्डा इक्वल टू क्या बना, एच बाई एम वी बन गया। एच जहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट बन गया, एम मास बन गया मटेरियल पार्टिकल का, और वी उसकी क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई। ठीक है बेटा, और आपको मैंने कंसेप्ट दे रखा है कि जो एच है हमारे पास, जिसे मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट बोला, इसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 6.63 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, इतनी बनती है। या इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए अप्रोक्स हम इसे 20/3 भी लिख सकते हैं, 20/3 इंटू 10^34 और जूल सेकेंड। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल पैटर्न बनेगा ये इसके ऊपर बनेगा कि लैम्डा इक्वल टू एच वाई एम वी। सो लेट अस मूव, चलते हैं सबसे पहले नंबर का जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर वर्क करते हैं। आपको न्यूमेरिकल भी बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है ध्यान देंगे बेटा। यहाँ बोला गया कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ स्पीड ऑफ 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान देंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद अ स्पीड ऑफ 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो भाई हम ये समझेंगे इस क्वेश्चन का, अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है ये कि भाई ऐसा है कि जो वेलोसिटी है, जो वी की मैं बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसने यहाँ पे कि जो लाइट की वेलोसिटी है उसका 1/10। ठीक है ना, द स्पीड ऑफ 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड कितनी है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और उसका कितना 1/10 इतना मीटर पर सेकेंड, जो बराबर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 3×10^7 इतना क्या बनेगा, 7 बनेगा और मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी है। पहला कंसेप्ट बहुत क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 9.1×10^-31 kg अप्रोक्स। न्यूमेरिकली अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो 9×10^-31 kg आप इसे ले सकते। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या आ गया, V आपके पास आ गया, आपके पास M है, आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, दैट्स वाई यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज। आपको क्या करना है, ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो हम क्या करेंगे, नाउ लैम्डा इक्वल टू H अपॉन एम वी, ये अप्लाई करेंगे। सो लैम्डा बराबर H को मैंने क्या बोला कि ऐसा कर दो, 20/3×10^-34 हमने ये लिख दिया, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, जो m है, m को कितना लिया, 9×10^-31, और v को कितना लिया, दिस वन 3×10^7, और ये 7 बन गया। ठीक है बेटा, जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो लैम्डा बराबर ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 3×3 = 9 बन गया, 9×81 मतलब ये कितना बना, 20/ और ये 81 हो गया, और ये 10^7, ये 7 और ये 31। ठीक है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप इसे, मतलब ये 30, ये कितना हो गया, 26, ठीक है 24, ठीक है 24 ये बना, ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा आपका 34 में से, मतलब 10 बन जाएगा। दैट्स वाई ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10^-10 आ जाएगी, है ना, इतना आप इसे मीटर में ले रहे हैं। अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये बराबर आ जाएगा आपका, इट जस्ट इक्वल टू
0.2469 इतना बनता है बेटा, इंटू 10^-10 का 10 बना दिया इतना मीटर। या अगर आप इसे और सॉल्व करो, या आप और करके इसे क्या लिख सकते हैं, 2.469 इंटू 10^-11 और इतना मीटर लिख देंगे। ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर बन गया। कैसे करके बेटा आपने इसे सॉल्व किया, आपको समझ आना चाहिए कि हमें ये फॉर्मूला पता हो गया। अगर ये फॉर्मूला आपको पता चल गया तो ईजिली आप वैल्यूज़ को इसके ऊपर पुट कर देंगे, और जैसे ही आपने वैल्यूज़ के ऊपर पुट की तो इमिडिएट आपने क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन की हेल्प से आपने क्या कर दी, इसकी वेवलेंथ निकाल दी। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ हमने निकाली है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लें, कैलकुलेट द वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लें, और उसकी स्पीड कितनी है, 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। वो जो स्पीड, जो वेवलेंथ आई, वो वेवलेंथ कितनी आई बेटा, इट जस्ट इक्वल टू किसकी रेंज में आई, 10^-11 मीटर की रेंज में आई है। इतना ध्यान देंगे आप, हाँ, पहला कंसेप्ट ये बना। अब अगर मान लो एक दूसरा न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट करता हूँ, और वो हम ऐसा करते हैं कि एक लार्ज ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर मान लो हमारे पास एक लार्ज ऑब्जेक्ट है और उसके लिए हम क्या करते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ को फाइंड आउट करते हैं। सो लेट अस मूव, हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, ये लिख रहा है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ कार, ध्यान देंगे, हाँ, कार ऑफ मास 2000 kg moving with speed 180 km/h। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ठीक है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ कार ऑफ मास, मास कितना 2000 kg है, और उसके बाद स्पीड कितनी है, 180 km/h। तो सबसे पहले अगर आप इसका सॉल्यूशन अगर देखें बेटा, कैसे करके आप इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है, 180 km/h है, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, मतलब क्या कर दिया हमने, ये 1000 यहाँ पे आ गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और जो आवर है उसको हमने क्या करना, सेकंड में चेंज करना, मतलब 60 × क्या कर दिया, 60 कर दिया। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से 36 हो जाएगा, मतलब अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये बराबर, यहीं लिख देता हूँ, इट जस्ट इक्वल टू, ये आ गया 180, और 180 × ठीक है, ये जीरो हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ कितना बन जाएगा आपका 36, ठीक है, या जो बराबर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर दूँ तो ये कितना 100 हो गया, मतलब ये आ गया आपका 100, और 100/2, या जो बराबर कितना आ गया बेटा, दिस वन 50 और मीटर पर सेकंड, इतना बनेगा। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना, यू हैव टू फाइंड आउट, अब आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ लैम्डा इक्वल टू, मास कितना दिया है, गिवन मास बराबर है दिस वन 2000 kg, ये मास है हमारे पास। नाउ लैम्डा इक्वल टू एच, एच को कितना लिया था, 20/3 इंटू 10^-34 बाई एम वी, एम कितना है 2000, इंटू वी कितनी है, दिस वन 50 m/s, ठीक है बेटा। अगर आप इसे सॉल्व करो तो क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, और ये 20 है, दैट्स वाई अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर लिख दिया आपने 20 इंटू 10^-34 हो गया,
यहाँ तीन नीचे ले आओ, मतलब 2 × 3 × 5 × 10⁻¹⁰ कितना लिख देंगे, 3 × 1 = 4। ठीक है, ऐसे करके आपने इसे लिख दिया। या आप इसे थोड़ा और चेंज कर दो, 5 × 15 = 29, मतलब कितना हो गया 2/3, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। और इंटू बनेगा 10⁻⁴ है, ऊपर जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का कितना बन जाएगा आपका 38 बन जाएगा। और जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये बराबर आएगा 0.666, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁸, और इतना किस में बनेगा, मीटर में बनेगा। ये आया वेव लेंथ। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। न्यूमेरिकल भी हमारा सॉल्व हुआ, और एक दूसरा कंसेप्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लो हम अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल को भी देखें और वेवलेंथ को भी कंपेयर करें। अभी बेटा जो वेवलेंथ आई है उसका जो ऑर्डर बना है वो ऑर्डर हमारे पास कितने में आया, 10⁻⁸ मीटर में आया। मतलब यहाँ जो लेमडा का ऑर्डर बना 10⁻³⁸ मीटर, ये आया हमारे पास एक यूज ऑब्जेक्ट के लिए, जो हम क्या बोल रहे हैं, कार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। और अगर मान लो कार की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इसकी रेंज कितनी आ रही थी लेमडा की, ये आ रहा था 10⁻⁻¹ मीटर, इतना आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूँ, ठीक है, उसके लिए वैल्यू कितनी आती है 10⁻⁻¹ मीटर, और यहाँ अगर एक कार की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 10⁻³⁸। एक्चुअल में क्या है कि ये जो 10⁻³⁸ वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत लिस्ट बहुत छोटी वैल्यू होगी। इसका मतलब, और ये वाली वैल्यू जो है, जो इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू आई, इस वैल्यू को हम, इस वेव लेंथ को हम इजिली मेजर कर लेते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि भाई जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, कि जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम बोलेंगे कि जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है उसकी हमारी लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका सिग्निफिकेंस केवल और केवल किसके लिए है, या इट इज वैलिड ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ आपने फाइंड आउट की उसे आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन एक कार के लिए जो हमारे पास जो वेवलेंथ आई वो कितनी है, 10⁻³⁸ मीटर आ गई, और इस वैल्यू को हम ये मेजर नहीं कर पाते हैं। एंड वी नो कि हम कभी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं है डायरेक्ट, हम हमेशा डायरेक्ट के जो कॉन्टैक्ट में होते हैं वो ह्यूज ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होते हैं। इसलिए डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन जो बनती है, या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जिसे बोला जाता है, उसकी हमारी ओन लाइफ में कोई भी क्या नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है बेटा, लेट अस मूव, चलते हैं। अब हमारे पास एक अगला क्वेश्चन आता है, उसके ऊपर वर्क करते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन इफ द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए इज 5 × 10⁻⁸ मीटर, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। पहले बेटा आप जो क्वेश्चन हमारे पास है इसके स्टेटमेंट को समझो, आप स्टेटमेंट इसका क्या बोल रहा है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हमारे पास दो पार्टिकल है, एक ए पार्टिकल है और एक बी पार्टिकल है बेटा, ठीक है, ए और बी पार्टिकल है।
अब ए और बी पार्टिकल में से क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास पार्टिकल ए है उस पार्टिकल ए के लिए इसने वेवलेंथ दे रखी है, दिस वन 5×10⁻¹⁸ मीटर दे रखी है। एंड द सेकंड वन आपको वेवलेंथ निकालनी है पार्टिकल बी की, लेकिन पार्टिकल बी के लिए इसने क्या दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है। और मोमेंटम कितना दिया है कि द कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी इट्स मोमेंटम इज अ हाफ ऑफ ए, जो हमारे पास ए है उसका जो मोमेंटम है उसका हाफ है। अभी मैंने आपको कंसेप्ट करवाया था, हमारे पास कंसेप्ट क्या था इसका सॉल्यूशन जो बनेगा, वी नो कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है बेटा, यह भी बताया गया था, जिसमें एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी हमारे पास मोमेंटम है। अब अगर हम ए पार्टिकल की अगर बात करते हैं लाइक दिस वन फॉर ए पार्टिकल, तो ए के लिए क्या बनेगा, लैम्डा ए बनेगा, लैम्डा ए बराबर क्या बनेगा एच बाई और पी ए लिख देंगे लाइक दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मान लो मैं बी की अगर बात करूं फॉर बी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, तो लैम्डा बी बराबर क्या बनेगा एच बाई पी बी बनेगा। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि जो मोमेंटम है बी का, ठीक है, वो हाफ ऑफ ए है, जो ए का मोमेंटम है उसका क्या है हाफ है, मतलब जो पी बी है वो पी बी बराबर क्या है पी ए बाई टू है, ठीक है बेटा, पी बी बराबर कितना है पी ए बाई टू है। दैट्स वाई लैम्डा बी बराबर हम क्या करेंगे लाइक दिस वन, इसे मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने माना था, यहाँ क्या बनेगा लैम्डा बी बराबर एच बाई पी ए बाई क्या बनेगा टू बनेगा, जो बराबर टू एच बाई क्या बनेगा पी ए, दिस वन इक्वेशन नंबर थर्ड। बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी। अच्छा, हमें क्या दे रखा है, हमें एक चीज़ और गिवन है, हम लिखेंगे गिवन लैम्डा ए दे रखा है ना, इफ वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए, लैम्डा ए बराबर कितना दिया है 5×10⁻¹⁸ इतना मीटर, ये हमें गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, मैं लिखूंगा लैम्डा ए बाई लैम्डा बी बराबर एच बाई पी ए डिवाइडेड बाई बनेगा 2h बाई पी ए, जो बराबर h बाई पी ए इंटू पी ए बाई टू एच हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये पी ए से ये पी ए कैंसिल हो गया, जो बराबर कितना आ गया 1/2, मतलब लैम्डा ए बाई लैम्डा बी बराबर आया 1/2, ठीक है बेटा। आपको तो ए की वैल्यू गिवन है, तो लैम्डा बी को तो आपको निकालना है, इसलिए हम इसे चेंज कर लेते हैं, उल्टा कर देंगे, तो लैम्डा बी बाई लैम्डा ए बराबर 2 आ जाएगा, इसलिए लैम्डा बी बराबर क्या बनेगा 2 ऑफ लैम्डा ए, वेवलेंथ ऑफ ए, जो बराबर 2 λ a, अभी मैंने लिखा था दिस वन 5×10⁻¹⁸ मीटर, जो कितना बनेगा बेटा दिस वन 5×10 है ना, 5×10⁻¹⁸ इतना क्या बनेगा मीटर बन जाएगा, ठीक है, बहुत क्लियर है बेटा। या इसे अगर आप थोड़ा और चेंज कर दो तो ये बन जाएगा आपका 10⁻¹⁷ इतना मीटर बनेगा, दिस वन इज लैम्डा बी, ठीक है बेटा। बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे करके इसे फाइंड आउट किया, मतलब लैम्डा बी बाई लैम्डा ए बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब अगर आप लैम्डा बी निकालना चाहते हैं तो लैम्डा बी बराबर क्या बनेगा 2 λ a बनेगा, लैम्डा ए हमारे पास ये वैल्यू है 5×10 हो गया, 10⁻¹ हो गया, और 8 - 8 था तो 10⁻¹⁷ मीटर बन गया, और ये हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया बेटा, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत क्लियरली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। लेट अस मूव, अब चलते हैं हम, हमारे पास अगला जो कंसेप्ट आता है उसके ऊपर वर्क करते हैं। नाउ मैं लिखूंगा बेटा, यहाँ लिखेंगे बेटा
डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो लेट अस मूव, हमें पता है सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और आपको कंसेप्ट पता है, हमने रिलेशन क्या पढ़ा कि लैम्डा बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम वी, हमने पहले से पढ़ा हुआ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इतना ध्यान देंगे आप, ये रिलेशन हमारे पास पहले से है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ये है, इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में आपने लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एम वी है इस एम वी को फाइंड आउट करते हैं और जो एम वी आएगा उसे यहाँ पुट कर देंगे। दैट्स वाई अगर एम वी आपको फाइंड आउट करना है, इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों तरफ को यहाँ और यहाँ बोथ साइड को एम स्मॉल एम से मल्टीप्लाई करता हूँ। नाउ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड बाई एम, क्या लिखूंगा बेटा, एम इंटू के ई बराबर क्या करेंगे, वन बाई टू एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, ये बनेगा। या यहाँ क्या लिखूंगा, टू एम इंटू के ई इक्वल टू बनेगा एम स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। या बेटा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एम वी इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू के ई, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने निकाली यहाँ से कि हमारे पास जो mv आया वो mv बराबर कितना आया, अंडर रूट हो गया और 2m इंटू के ई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एंड वी नो, अब ध्यान देंगे यहाँ रिलेशन को, यहाँ पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, mv में ऐसे पुट करो, दैट्स वाई लैम्डा बराबर क्या बनेगा, एच ओवर क्या बना, अंडर रूट हो गया 2m इंटू के ई। ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। एंड अगेन दिस वन अनदर रिलेशन, एक रिलेशन हमारे पास ये बन गया, एक रिलेशन ये आ गया, दिस वन अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है बेटा। इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल पैटर्न आपके बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे आप कैसे करके डी ब्रोगली वेवलेंथ को हमने किसकी टर्म में लिख दिया, इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में हमने इसे ड्रॉ कर दी। अब अगर मान लो मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो ध्यान देंगे बेटा ये लिख रहा है कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, 2He4 होता है, ठीक है, पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5×10⁻¹⁸ जूल, ये काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे कैसे करके इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, कैसे करके इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो बेटा यहाँ सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि आपको बोला गया अल्फा पार्टिकल, किसकी बात हो रही है, अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है। अल्फा पार्टिकल अपने आप में 2He4 होता है, तो अगर मान लो इसके मास की अगर हम बात करें, तो मास क्योंकि हमें m चाहिए, तो मास बराबर कितना होता है इसका, 4AMU, या जो बराबर 4×1.67×10⁻²⁴, इतना ग्राम में आपने इस एम को चेंज कर दिया, इतना ग्राम में आ गया, ठीक है बेटा। मास आपके पास है, फॉर्मूला ये हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, दैट्स वाई लैम्डा इक्वल टू क्या बनेगा, 6.63×10⁻³⁴ बनेगा। यहाँ हमने क्या किया, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट लेने के बाद क्या हमारा 2 हो गया, m कितना आया, 4×1.67×10⁻²⁴, ठीक है, और इंटू क्या बन गया आपका, m आ गया, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 5×10⁻⁸, इतनी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब आप इसे आगे सॉल्व करते हैं,
ध्यान देंगे, कैलकुलेशन आपको करना है बेटा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 6.63 × 10⁻³ एज यूजल ये रहा। नीचे वाले को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.17 × 10⁻⁶ आएगा बेटा, जो कि जब आपने सॉल्व किया तो ये आया 0.811 × 10⁻¹⁸ या जो बराबर 8.11 × 10⁻¹⁹ मीटर। इतना हमारे पास क्या आ गया, दिस वन वेवलेंथ। बहुत क्लियर है बेटा, आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास, दिस वन इज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या है, कैसे करके इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल पैटर्न बनते हैं वो न्यूमेरिकल पैटर्न बेटा मैंने आपको सिखाए। ठीक है बेटा, अब सभी बच्चों को डी ब्रोगली वेव इक्वेशन बहुत क्लियरली आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।